हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक वर्सेस वीडियो लेके आई हूं। ये है O3 सल्फर कूलिंग मास्क एंड ये है रीजन पैक। दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा रेकमेंड करती हूँ एंड दोनों में से अगर आप एक ही अफोर्ड कर सकते हैं तो कौन सा परचेज़ करना चाहिए आपको, वो बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। दोस्तों, दोनों की अलग अलग जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर हैं, पूरी डिटेल्स अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी है, O3 का प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें O3 के जितने भी प्रोडक्ट हैं मेरे पास अवेलेबल, सबके वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इन दोनों के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो ये है सल्फर कूलिंग मास्क एंड ये है रिटर्न पैक। दोनों की पैकिंग सेम है, क्वांटिटी सेम है, प्राइस सेम है। क्वांटिटी है दोनों की 50-50 ग्राम एंड जो प्राइस है दोनों का वो है 830 रुपीज़। बट मैंने नायका से लिए थे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट वहाँ पे मुझे मिल गया था। एंड पैकिंग आप देख सकते हैं, दोनों ग्लास बॉटल में है एंड कैप तक सेम है। सिर्फ कलर, टेक्सचर एंड जो इसका फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है। जो सल्फर कूलिंग मास्क है इसमें सल्फर है एंड मिंट है। जो डीटन पैक है इसमें ऐसा सल्फर वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कैम्फर की फ्रेग्रेंस आती है। सल्फर कूलिंग मास्क है दोस्तों, ये ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा है। एंड जो डीटन पैक है ये है ऑल स्किन टाइप, तो सभी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो। सेंसिटिव स्किन वाले दोनों ही इन पैक्स में अगर ट्राई करना चाहते हैं तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। उनको मैं नहीं बोल रही, रिकमेंड नहीं कर रही, लेकिन बाकी के जो स्किन टाइप हैं उन दोनों के लिए इसमें से आप जिसका स्किन टाइप ऑयली है, एक्ने वाला है, वो सल्फर कूलिंग मास्क यूज़ करें। बाकी अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, ऑयली नहीं है, तो आप डीटन पैक पे जा सकते हैं। एंड शेल्फ लाइफ की बात करूँ दोस्तों, तो इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स सल्फर कूलिंग मास्क की एंड जो डीटन पैक है इसकी है 3 साल। एंड सल्फर कूलिंग मास्क सभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी किसी पर्सन को सल्फर से एलर्जी होती है, उनको सूट नहीं करता। एंड जो डीटन पैक है दोस्तों, इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमें मतलब ऐसा फील हो कि हमारे स्किन पे सूट नहीं करता या किसी और की स्किन पे सूट ना करे। मुझे इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं दिखा। दोनों का रिजल्ट, दोनों का ग्लो बिल्कुल सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि सल्फर कूलिंग मास्क आपको 15 मिनट्स तक अपने फेस पे लगा के रखना है एंड जो डीटन पैक है ये 3 से 4 मिनट लगा के रखना है। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप सल्फर कूलिंग मास्क नहीं जा सकते। आप डीटन पैक ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है इसके मुकाबले थोड़ी कम है। एंड ये है जैसा आपको इसमें दिख रहा है, बॉक्स में ग्रे कलर का है थोड़ा सा एंड ये प्योर वाइट कलर का है। एंड अगर आप इनके दोनों के अलग अलग वीडियो देखेंगे मेरे चैनल पर तो आपको इसका टेक्स्चर, टाइमिंग, ग्लो सब कुछ दिखाई देगा उस वीडियो में, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन की बात आती है दोस्तों, तो मैं डीटन पैक रिकमेंड करूँगी क्योंकि एक तो दोस्तों सभी यूज़ कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप है एंड ग्लो भी सेम आता है। जो सल्फर कूलिंग मास्क ग्लो देता है वही ये भी देता है। दोनों ही डीटैन पैक मतलब दोनों ही टैनिंग रिमूव करते हैं, स्किन को ग्लो कर स्किन में ग्लो देते हैं। तो जब ये किसी को सूट करेगा, ये सबको सूट करेगा, तो फिर मैं यही रेकमेंड करूँगी। प्राइस भी सेम है, क्वान्टिटी भी सेम है एंड ट्रेवल फ्रेंडली दोनों में से कोई भी नहीं क्योंकि ये ग्लास बॉटल है। एंड क्या कहते हैं इसको कि इसकी शेल्फ लाइफ भी 1 साल ज़्यादा है इससे, इसकी 2 साल है तो इसकी 3 साल है। एंड इसीलिए मैं ये डीटन पैक रेकमेंड करती हूँ और टाइमिंग की बचत भी है, सिर्फ 3 से 4 मिनट अप्लाई करना है आपको। एंड अप्लाई दोनों ही आप एक एक दिन छोड़ के ट्राई लगा सकते हैं अपने फेस पे। एक हफ्ते के बाद लगाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। आपने आज लगाया, आप परसों लगा सकते हैं, उसके एक दिन बाद छोड़ के फिर से लगा सकते हैं। तो ये सब दोनों कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन की बात आती है मैं डीटन पैक रेकमेंड करती हूँ। एंड खुद भी मैं ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ क्योंकि विंटर्स में ज़्यादातर यही यूज़ हो रहा है। धूप में बैठते हैं तो थोड़ी टैनिंग हो जाती है फेस पे, तो यही ज़्यादा काम आता है। तो अगर आप दोनों में से एक खरीदना चाहते हैं, वैसे दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों का ग्लो सेम है, दोनों ही ऑसम फेस मास्क है। मैं इसको पीछे नहीं कर रही क्योंकि ये भी बहुत अच्छा मास्क है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो ऑसम है। मतलब एक्ने आती है, आप इसको अप्लाई करो, आप इसको ट्राई करो, बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। एंड लेकिन सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो मैं डीटन पैक रेकमेंड करती हूँ। एंड आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको, दोनों में से अगर आप एक चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत पसंद आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।